हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट, पॉलिटी की जानकारी चैनल, और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, आज हमारे मित्र गुड्डू पठान जी आए हैं साजापुर से हमारे पास में, हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए, और ये हमारे बहुत अजीज मित्र हैं। आज हम दोस्तों बताने वाले हैं, हमारे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, फोन में भी सब लोग ये पूछ रहे थे कि दाने को सर मिलाते कैसे, बनाते कैसे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस प्रकार से दाने की मिक्सिंग की जाती है और कच्चा तैयार किया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा दाना तैयार हो रहा है। ये दोस्तों 1 टन दाना है, यानी 10 क्विंटल। दिखाइए दाना, दिखाइए, ठीक है। ये हमारा 1 टन दाना तैयार हो रहा है। इसमें सबसे पहले हमने नीचे मिलाया मक्का, ठीक है। मक्का मिलाया दोस्तों, मक्का के बाद में हमने DOC मिलाया इसमें। फीड दिखाई दिया, इसमें DOC मिलाया है, और DOC के बाद में इसमें हमने ये 10% मिलाया है, जो कि रेडीमेड फीड होता है। 10% में जो है साथियों, केमिकल, दवाई, प्रोटीन, मछली और पूरा फार्मूला इसी में होता है। इसमें सिर्फ हमें मक्का, सोया और ऑयल मिक्स करना होता है, और मिक्स करने के बाद में देखिए इस तरह से मिला लें, ये हमारे कर्मचारी मिला रहे हैं इस तरह से, अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग करने के बाद में साथियों, जिस तरह से कि हम मकान बनाने में जो माल यूज करते हैं, सीमेंट, रेत, गिट्टी का, उस प्रकार से इसको अच्छी तरह से काट लें। जैसे कि मैं ये उठाऊंगी, मैं बताता हूं आपको जगदीश भैया, ये ग्रेड बंद करके थोड़ा सा काट के दिखाइए, थोड़ा सा वो काट के दिखाइए किस तरह से काटा जाता है। इधर पास में ये किस तरह से इसको काटा जाता है दोस्तों, तो ये पूरा मिक्सिंग हो जाएगा। ये देखिए, ये तीनों सोया, मक्का, DOC, ऑयल, ये पूरा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। एक बार हम ये इधर ढेर लगा लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। दूसरी बार दोस्तों, हम पूरे को काट के उस साइड कर देंगे, और ये आपका मिश्रण तैयार हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता, इधर आइए, ये दिखाइए, इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में ये हमारा ग्लाइंडर है दोस्तों, और इसमें जो है ये हैमर दिए, हेमर सिस्टम दिया है। जब हम इसमें डालेंगे और इसमें दाना पिसेगा, तो ये 3000 RPM की स्पीड से पूरा घूमता है। ये लूज ही रहते हैं, ठीक है, ऐसा ही रहते हैं, ये टाइट नहीं रहते हैं, ये इस तरह घूमेगा। तो इतनी जबरदस्त मिक्सिंग करके ये निकालता है कि आपके बड़े से बड़े मिक्सर इसके आगे फेल हैं। और हमारे मित्र पठान साहब इसके बारे में बताएंगे, वो भी यही ग्लाइंडर यूज करते हैं और काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। बताइए सर, आप इसकी विशेषता। जी भैया, जो ये आपका जो ग्राइंडर है, इसके अंदर हमर लगे हुए हैं, और जो अन्य ग्राइंडर आते हैं उसके अंदर बीटल लगे हुए होते हैं, जो कि बार बार चलने से घिस जाते हैं, जिसका महीने दो महीने के अंदर जितना भी बार होता है वापस बार बार बदलना पड़ता है। लेकिन इस ग्राइंडर की खासियत यह है कि इसके अंदर जो हमर लगे हुए हैं, ये मोटे जो लोहे के लगे हुए हैं, इसका घिसाई का कोई कारण नहीं है इसके अंदर, और ये एक बार लगने के बाद काफी लंबे समय, 10 साल तक या 15 साल तक जब भी आप ग्राइंडर रहेगा जब तक आपके चलेगा ये, इसमें आपको बार बार बदलने की या फिर घिसाने की कोई समस्या नहीं आएगी। और जिसकी वजह से आपका दाना मोटा आना, पतला आना, मक्का कम पीसना, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, ये बता रहे थे गुड्डू भाई के दूसरे जो ग्राइंडर की ब्रांड होती है, उसमें यहाँ पे वो क्या प्लेट मीटर पत्ती रहती है, लोहे की पत्ती लगी होती है, जो कि चलने में घिस जाती है, बार बार खराब होती है, खराब हो जाती है बार बार। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी कि किस तरह से फीड तैयार किया जाता है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये हम टॉक्सी बाइंडर मिला रहे हैं दोस्तों, UPPP करके इसको बोलते हैं। इससे जो है कि अगर मक्का में मॉइस्चर हो, फंगल हो, तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम फीड को मिलाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।